आज के इस वीडियो में हम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लुब्रिकेशन क्या होता है। लुब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो वो सरफेसेस जो आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उनके बीच में एक लुब्रिकेंट की फिल्म इंसर्ट करना, जस्ट लाइक ऑयल और ग्रीस के रूप में। बेसिक पर्पज क्या है उसका? उसका बेसिक पर्पज है फ्रिक्शन को कम करना, मूविंग पार्ट्स के बीच में वियर एंड टियर को कम करना, कूलिंग मीडियम का काम करना, मींस हीट को रिमूव करना, जैसे कनेक्टिंग रॉड, वाल स्टेम्स या पिस्टन का जो क्राउन होता है, इन सभी से हीट को रिमूव करना और पार्ट्स को कोरोजन से बचाना। ये सब काम होता है उस लुब्रिकेंट का या लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन सिस्टम ये कंप्लीट फंक्शन जो करे, जिसमें हम लोग एक फिल्म को इंसर्ट करें लुब्रिकेंट की दो मूविंग कॉन्टेक्ट सर्फेसिस के बीच में, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो वो काम करेगा लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें हम आज डिस्कस करेंगे ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। जैसा आपने पहले भी सुना होगा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, कुछ उसी प्रकार से होता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जनरली जो रेसिंग कार्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, वहां पे ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है, तो इसलिए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं ड्राई सम्प। सबसे पहला है ड्राई सम्प, यानी एक प्रकार का कंटेनर जो कि या इंजन क्रैंक केस बोल सकते हैं, एक प्रकार का कंटेनर जो ऑयल को स्टोर करने के काम आता है। दूसरा होता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम होता है बेसिकली इंप्यूरिटीज को रिमूव करना, स्टॉप करना, रोकना, जिससे आगे जो हमारा ऑयल जाएगा वो क्लीन ऑयल जाएगा। नेक्स्ट होता है स्केवेंजिंग पंप। स्केवेंजिंग पंप का बेसिक काम होता है ऑयल को ड्राई सम्प से लेकर के आगे ट्रांसफर करना, उसके प्रेशर को इंक्रीज करना, क्योंकि जो स्क्वेंजिंग पंप होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ऑयल पंप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो यहां से बॉटम फेज से अपवर्ड डायरेक्शन में ऑयल को ट्रांसफर करना, यही मेन काम होता है स्क्वेंजिंग पंप का। यहां से फिल्टर है। फिल्टर का बेसिक काम है जिस प्रकार स्ट्रेनर इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है, फिर भी किसी प्रकार की कोई इंप्यूरिटी रह जाती है तो यहाँ फिल्टर में कंप्लीटली वो रिमूव हो जाती है। यहाँ एक वाल लगा हुआ है जिसको फिल्टर बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल बोलते हैं, यानी प्रेशर रिलीफ वाल का मतलब है जब प्रेशर एक्सेस हो जाएगा, फिल्टर किसी प्रकार की क्लोजिंग कंडीशन में होगा यानी क्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ओपन होता है और आगे ऑयल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये सप्लाई टैंक है। सप्लाई टैंक का बेसिक काम है सेकेंड स्टोरेज सिस्टम, यानी फर्स्ट स्टोरेज यहाँ पे इंजन क्रैंक केस है जिसका नाम यहाँ पे ड्राई सम्प है, और सेकेंड स्टोरेज जो कि आउटसाइड सिलेंडर के होता है ये होता है सप्लाई टैंक, तो यहां से स्टोरेज की जाती है। नेक्स्ट फिर से एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, इसका काम भी कुछ इसी प्रकार से है जैसा नीचे बॉटम फेज में प्रेशर रिलीफ वाल्व का था। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन होती है तो ये ओपन होगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। ऑयल पंप का ट्रांसफर का काम होता है, जो ऑयल सप्लाई टैंक से लेगा और आगे इसको ट्रांसफर कर देगा इंजन की मेन बियरिंग्स को, यानी मूविंग जो पार्ट्स है जिनके बीच में आपस में कॉन्टेक्ट रहता है उनके आगे उनके पास ये ऑयल को ट्रांसफर करता है, जिससे किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होता, हीट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, कोरोजन से बचाएगा और यहाँ पे वियर एंड टियर को रोकेगा। अब डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। यहाँ जो ड्राई सम्प है, इस ड्राई सम्प से ऑयल जाता है, ऑयल स्ट्रेनर में जाएगा, स्ट्रेनर इंप्यूरिटीज को रोक लेगा, स्क्वेंजिंग पंप में जाएगा, स्क्वेंजिंग पंप इसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा, मींस तेज स्पीड से आगे की तरफ ऑयल को ट्रांसफर कर देगा। ऑयल को जब ट्रांसफर करेगा तो बीच में फिल्टर आएगा, फिल्टर यहाँ पे इंप्यूरिटीज को स्टॉप करेगा और कंप्लीट जो क्लीन ऑयल है उसको यहाँ सप्लाई टैंक के अंदर सेंड कर देगा। अब सप्लाई टैंक के अंदर जब सेंड करता है और इन केस किसी भी कंडीशन में फिल्टर यहाँ पे क्लॉक हो गया, लॉकिंग हो गई यानी चौक हो गया, तो चौक होने के बाद यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और ये बाईपास ऑयल यहाँ से चला जाएगा और बाईपास ऑयल सप्लाई टैंक से आगे की तरफ मूवमेंट करेगा और ये जाएगा यहाँ ऑयल पंप के पास में। ऑयल पंप के पास में जब ये जाएगा तो यहाँ ऑयल पंप इस सप्लाई टैंक से पिक करके इस ऑयल कूलर के थ्रू होता हुआ बियरिंग्स के अंदर सेंड कर देगा। ऑयल कूलर का बेसिक काम क्या है? जो हमारा ऑयल होगा
उसके अंदर से हीट को रिमूव करना, और हीट को रिमूव करके यहाँ पे ठंडा ऑयल बीयरिंग्स को भेजेगा, क्योंकि बीयरिंग्स मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी बीयरिंग एंड टीयरिंग होती है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस में होते हैं, रिलेटिव जिनके बीच में मोशन होता है, तो वहां पे वो ऑलरेडी हीटअप हो जाती है, तो उनको कूल करने के लिए हमें ऑयल जो है उस कम टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो कम टेम्परेचर वाला ऑयल उनके बीच में जाएगा, वहां वियरिंग एंड टीयरिंग रुकेगी, वहां पे फ्रिक्शन कम होगा और हीट कंप्लीटली कैरी अवे करके ले जाएगा यहाँ पे ऑयल, और वापस फिर से ये इसी प्रकार से रिसाइकल होता रहता है। तो ये होता है इंजन के सिलेंडर के अंदर, वहां पे जो बियरिंग्स है इंजन में, उन बियरिंग्स के अंदर इस प्रकार से सप्लाई होती है ऑयल की, और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम अपना फंक्शन करता है, काम करता है। थैंक यू दोस्तों।